तो ये मथुरा के भाई आज से 25 साल पहले मैं गया, तो वहाँ भी हमने दर्शन किए, पहले भगवान के मंदिर किए, फिर हम मथुरा के ऊपर गए। उस समय इतना रौला नहीं था, दो चार पुरुष लोग गेट पे बैठे थे, उनसे जाके पूछा भाई साहब हम तो, मैंने वहाँ से उनको कहा भाई हम तो पंजाब से आए हैं कि हम पंजाबी हैं, तो हम ये बस देखना चाहते हैं, इतिहास का मेरे को पता था। वो कहते बाबा जी मारे को कोई तराज नहीं, चले जाओ। अच्छा, हम गए, चले गए, मॉल भी पढ़ा रहा था बच्चों को, मस्जिद के अंदर चले गए। हाँ, मस्जिद वहाँ कहाँ है, वो तो चारों तरफ एक तरफ बरांडा नहीं, तीनों तरफ बरांडा बना हुआ है। अच्छा। और उसके ऊपर गुम्बुज है तीन चार, तो उसमें कोई मस्जिद मस्जिद नहीं है। अच्छा। ग्राउंड है सारा पूरा, वो कंस की जेल थी, वहीं भगवान का जन्म हुआ है। उसमें एक कुआ भी हमने देखा। अच्छा। और कुएं में अब पानी नहीं था जब हम गए, सूखा हुआ था। तो जब उसमें मॉल भी है कि मेरे को देखा भी महात्मा के आ रहे हैं, वो भाग के हमारे पास आया, अरे महात्मा जी ठहरो 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 ठहरो। मैं कह रहा मियाँ तू आ तो जा, बात सुन ले। जब हमारे पास आया मैं कह देखो ही महाराज तुम्हारे से कोई लेना देना नहीं है, हम तो पंजाब से आए हैं, हमने पहले भगवान मंदिर के दर्शन किए, अब हमने मस्जिद भी करना चाहते हैं दर्शन, तो मेरे को उतरा आ जाए। जब उसने कहा मैं कह हम तो गुरु नानक के चेले हैं, तो वो बस ढीला पड़ गया, कहता जो महाराज जी आ जाओ ऊपर आ जाओ। जब हम ऊपर चढ़ के देखा सारा घूम के, हमारे मन को शांति मिली उस जगह में, वास्तव में वहाँ भगवान का अवतार हुआ है उस जगह में, वही जेल थी कंस की, असली जगह वही है। ये भी उन्होंने फिर मनुष्य पूछा तरीके से, मैं कहा मियाँ जी तुम्हारे पास इसका इतिहास कितना पुराना है इस मस्जिद का, कहता जी 350 साल पुराना है। तो 350 साल ही औरंगजेब को हुए थे उस समय, अब तो 20-25 साल मेरे को हो गए। तो वो मारे को पक्की बात में लगी भाई ये भगवान की मंदिर था, इन्होंने जबरदस्ती कर रखी है। ये दोनों मैंने घूम के दर्शन किए, वैसे घूम के सारा देखा मैंने, वो तो उनकी द्वारी बना रखी है चारों तीनों तरफ, एक तरफ खुला सामने ग्राउंड जो है, उसमें चढ़ के पूरे दर्शन किए, निशान सुनते मैंने, मेरे को देखा बस एक कुआ मिला, पर हमारे मन को शांति मिली भी वहाँ भगवान का जन्म हुआ। जो इसका इतिहास है ना काशी का, वो तो है शंकर भगवान की भूमि है 84 कोस में, काशी उनकी बसाई हुई त्रिशूल के ऊपर। ये तो युग बदलते हैं, समय बदलता रहता है, तो जो मैं तुम्हारे को बात बताऊंगा सब चेहर में चला देना, एक किसी को पता ही नहीं इस बात का जी। मैं दाहे में कहता हूँ बारे में लिखित में है। ये जब राजा रणजीत सिंह का राज था ना, उनकी लाहौर और राजधानी थी, तो वो लाहौर से वो नेपाल गए थे, नेपाल वाला राजा उनका मित्र था, तो उन्होंने उनको 22.5 मन स्वर्ण दान दिया। वो जब काशी आए, काशी आके जब वो ठहरे, तो उस मोहल्ले का नाम ही लोरी टोला पड़ा है, अभी भी उसको लोरी टोला ही बोलते हैं, हमारा वहाँ विद्यालय भी है निर्मल खाड़े का, तो वहीं शंकर भगवान का मंदिर है। तो उस समय सारे ब्राह्मण इकट्ठे होकर उनके पास आए, राजा रणजीत सिंह के पास, कहते महाराज महाराज औरंगजेब ने मंदिर तोड़ के मस्त बनाई हुई है, हमने दर्शन किए हैं, तो महाराज मस्जिद तोड़ के मंदिर बना दो। ये राजा रणजीत सिंह वेले की बात है। तो उन्होंने फिर उनको बोला भाई ऐसा करो, आप सारे ब्राह्मण इकट्ठे हो गए सलाह करो, मेरे पास फौज आए, मैं सारा तोड़ के मस्जिद इनकी तो मंदिर बना के जाऊंगा, शाम को मेरे पास आ जाओ इकट्ठे हो गए सलाह करके बताओ ये क्या करके। जब ये बात कही उन्होंने राजा रणजीत सिंह ने, तो सारे ब्राह्मण जाके अपन में बात करी, जब बात करी तो वो फिर शाम को आए उसके पास, कहते महाराज जी आप तो मस्जिद तोड़ के चले जाओगे, मंदिर बना के मारोगे, मुसलमान बाद में फिर मारेंगे। तो उन्होंने फिर तोड़ने दी, तो जो उनको स्वर्ण दान दिया था, जो मंदिर भी वहाँ मौजूद है उसके ऊपर ही वो भगवान शंकर के मंदिर पे साढ़े मरण स्वर्ण वो दान करके वहीं आ गए। अभी भी जाके देख लो उनके नाम का बोर्ड लगा हुआ, शेरे पंजाब राजा रणजीत सिंह, तो उनकी एक तलवार भी पड़ी हुई है, जो कोई पंजाबी लोग जाते हैं उनको दर्शन कराते हो पुजारी। तो ये इतिहास तो पक्का है, सच्चा है भाई, ये मंदिर शंकर भगवान का है, पर इन्होंने अपने उस समय इनका राज था मुसलमानों का, इन्होंने ज़बरदस्ती मथुरा भी तोड़ रखा है, ये काशी भी तोड़ रखा है, अयोध्या भी तोड़ी थी, और कई इनका मंदिर तोड़े इन मुसलमानों ने। तो उसमें इनका राज था, हमारी कौम जो थी कमज़ोर थी,
जैसे आप उस जन्मभूमि पर घूम करके आए तो असदुद्दीन ओवैसी जो है AIMIM के नेता हैं, वो एक बात लगातार कह रहे हैं कि हमसे तुमने बाबरी मस्जिद तुम्हारी शहीद कर दी, छीन ली, लेकिन इंशाअल्लाह कयामत तक जो है वो ज्ञान बापी मस्जिद थी, मस्जिद ही रहेगी। उनको क्या संदेश? वो जो नेता लोग हैं वो तो ऐसी अपनी बात हवाई बाजी करते रहते हैं, मारते रहते हैं, उनका काम ये है। वैसे जब हमारे हिंदुस्तान के मुसलमान ईमानदार हुए ना, एक मिनट न लगाएं, सब मंदिर जो इन्होंने तोड़ रखे हैं अपने आप, कहते महाराज ये बना लो, आपकी जायदाद है, भगवान का आपका इष्ट भगवान है, हम भी तुम्हारे साथ हैं। तो जे ईमानदार से हिंदुस्तान में मुसलमान मिल के रहें हमारे साथ, तो किसी की ताकत है वो हिंदुस्तान को हरा दे। इनकी ईमानदारी नहीं है मुसलमानों की, ईमानदारी से रहे ना कि हमारा देश है, मैंने इसकी रक्षा करनी है, तो कोई यहाँ झगड़ा ही नहीं है। ये तो जान के जान के उत्पतंग कर रहे हैं, जहाँ इनका बहुमत होता है वहाँ ही दंगे बतास कर देते हैं, खाम खाई में लोगों को मारते हैं। अब हम यहाँ खड़े मारे को गोली मार जाए, इसमें कोई बहादुरी थोड़ा है, ये तो बदमाशी है, चाहे उनकी बुझ दिली है। औरंगजेब जो है सब जानते हैं कि आक्रांता था, कितने ही मंदिर तोड़े सनातन संस्कृति के, कई लोगों की को जो है मारा। उनकी कब्र पर जो है जो लोग जा रहे हैं और जो माथा टेक रहे हैं औरंगजेब को, उनके लिए एक यहाँ से मैसेज देंगे क्या? वो बस उल्टे कर्म करेंगे, इन्होंने उल्टे करने हैं, क्योंकि उन्होंने अच्छा कर्म तो करना ही नहीं है। ये अच्छा करें तो काम होए क्यों? सनातन धर्म को मानते हैं नाले, ये हमारे हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं, इन भी देश हमारा हिंदुओं का, उनका भी अब यहाँ बसे हुए हैं, प्रदेश है, पर ईमानदार से नहीं रहते हो। यही उकसावा नहीं है कि एक सनातन संस्कृति को एक चिढ़ाने का काम किया, अब जाकर के बाबर आप जानबूझ के औरंगजेब की कब्र पे? अब वहाँ पीछे हमारे एक संत मस्कीन जी हुए, बड़े विद्वान, वो उन्होंने कहा भी एक दफा हम औरंगाबाद गए, हमने देखा भी चलो औरंगजेब की कब्र भी देखते हैं, उसकी उन्होंने कथा में बोला था, हमें कथा सुनी हो। जब वो बोलता कहता भाई जब मैं गया वहाँ जाऊँ, हम तो पुजारी कहते हैं, वो मजूर कहते हैं उसको जो पुजारी होता है उनका, उन्हें कहा सरदार जी जब आए हो तो मेरे को एक रुपया दे दो, मैं यहाँ चिराग जलाना है, मेरे पास तेल जो के पैसे नहीं है। अच्छा। तो उसने फिर वहाँ से बात निकाली, उसने कहा देखो औरंगजेब ने जिनको शहीद किया हिंदू धर्म के लिए, गुरु तेग बहादुर साहब को, उनके जागे स्थान पे देखो कितने लाखों रोज रोटी खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, दूध पी रहे हैं, आराम कर रहे हैं, जिसने मारा उसकी कब्र में तेल चिराग जलने के दीवार तेल नहीं है। ये फर्क है धर्म का और अधर्म का। सनातन संस्कृति जो है वो वर्षों से रही हमेशा तक, तो काशी के अंदर महादेव जो है वो प्रकट हुए हैं, और ये जो दावा हिंदू समाज कर रहा है आप लोग जो है वो पूरा समर्थन कर रहे हैं? ये सब झूठ बोल रहे हैं जितने मियां है ना, ये राजनीति कर रहे हैं, लोगों को लड़ा रहे हैं आपस में, इसमें कोई झूठ नहीं है। भरोसा है कि अब निर्णय आएगा और पक्ष में आएगा काशी में जो है? बिल्कुल कोर्ट में भरोसा है, कोर्ट जो न्याय करेगा, क्योंकि धर्मराज की कोर्ट है, इसमें सच का फैसला होता है, जो सच का फैसला करेंगे माननीय होगा सबको। धन्यवाद। तो जो महाराज जी है वो लगातार यही कह रहे हैं कि सनातन संस्कृति की जो पहचान है उसको कोई नहीं मिटा पाया, जिसने मिटाने की कोशिश की है वो खुद मिट गया है, इस तरीके का यहाँ से जो है लगातार संदेश दे रहे हैं हरिद्वार की पावन धरती से। आप देखते रहिए वो न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद। जय हिंद।